राम निवास जी राम दाम भोजास के मैन तोरो सरपंच हनुमान सिंह जी तोरो सरपंच बाबूलाल जी तोरो सरपंच खिया राम जी तोरो उप सरपंच पदम सिंह जी और आज ये खुशी की बात है कि पूरे उप सरपंच धनाराम जी और आज एक नई जानकारी मिली है माने भी कि 60 साल पहला और जब स्कूल शुरू हुई और सबसे प्रथम विद्यार्थी कौन है तो आज एक जानकारी है पदम सिंह जी जो आज से 60 साल पहले और इस विद्यालय के प्रथम विद्यार्थी थे वो भी आज के मुख्य अतिथि अपने भोजास के ग्राम से गोपीराम जी लोल फौजी साहब उमेश सिंह जी एक्शन साहब पारिक साहब गायर सिंह जी उमेश सिंह जी जयपाल सिंह जी महेंद्र सिंह जी एवं समस्त गांव ढाणियों पदारोड़ा बुजुर्ग लोग नौजवान साथी एवं इस विद्यार्थी के छात्र छात्राएं। सबसे पहले मैं आपको मेरी ओर से इस गणतंत्र दिवस को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 5 साल पहले 2015 में जो 26 जनवरी दिवस मनाने प्रथम बार मेरे को मौका मिला जाने का झंडारोहण करने का, उस दिन सुरेश जी यादव ने इतनी समस्याएं स्कूल के बारे में बताई कि झड़ी लग गई थी और मैंने भी सोचा कि यार इतनी समस्याओं को अपन कैसे दूर करेंगे, चलो कोशिश करेंगे और उस कोशिश में ग्रामवासियों का इस विद्यालय के स्टाफ का और तमाम लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो जो मैंने वादे किए वो वादे आज पूरे कर दिए मैंने। इन्होंने शौचालय का बोला शौचालय बना दिया, हॉल का बोला दो रूम बनवा दिए, चार दीवारी टूटी हुई थी गेट टूटा हुआ था, गेट खोल देते तो वापस बंद ही होता, बंद हो जाता तो खुलता नहीं, तो नई चार दीवारी बना दी, नया गेट बनवा दिया और की लाइट की जो भी समस्या बताई मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया और उस समस्या को सोल्व किया। और जब 2015 में उस वक्त इस टाइम बच्चों के नामांकन बहुत कम थे, 160 लमसम थे शायद, तो ये बधाई के पात्र है प्रिंसिपल मैडम और विद्यालय के समस्त स्टाफगण जो इन्होंने मेहनत की और इस मेहनत के फल है कि आज 400 के लमसम छात्र छात्रा इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई टाइम टू टाइम स्कूल लगे, टाइम टू टाइम इन्होंने मेहनत की तो अपन ने विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ाई, इसलिए समस्त विद्यालय के स्टाफ को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जब पहली बार विद्यालय में आए तो मैंने सोचा यार दूसरे गांव में जब स्कूलों का देखते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, अच्छा अनुशासन है, अपने स्कूल में कमरे भी नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ की कमी भी दूर की और प्रिंसिपल मैडम से पहले जो प्रिंसिपल महोदय है उन्होंने पूर्ण भरपूर मेहनत की और मैडम ने भी लेडीज होते हुए यहाँ रहकर पर इस स्कूल को 2-3 साल में भरपूर मेहनत की, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप ऐसे करते रहना, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा, जो भी आप को हमारी जरूरत हो जहाँ कहीं भी जरूरत हो आप हमें याद करना, हम हाजिर रहेंगे। एक दो में मेरी तरफ से घोषणा कर देता हूँ, पिछली बार वैसे मैंने कहा था कि यहाँ दो जगह रूम खाली है, दोनों जगह तो दो जगह रूम बना रहे, एक तो मैं मेरी तरफ से यहाँ रूम बना रहा हूँ, नंबर एक घोषणा। दूसरे धन्नाराम विद्यासर झड़ेली की तरफ से एक रूम की और उन्होंने बोल दिया कि हमारी तरफ से बना देना, दोनों रूम आपके चालू हो जाएंगे और जो भी बाउंड्री के पत्थर बचे इसलिए हमने वो पत्थर यहाँ से उठाए नहीं,
यही डाल रखे हैं, क्यों दोनों रूम बनाने हैं, घोषणा कर दी है और ये काम हम जल्दी चालू कर देंगे। और भी कोई यदि हमारे से कोई सहयोग या कोई चीज की जरूरत हो तो बताना, हम आपके लिए तैयार हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने किया है उनको मेरी तरफ से सबको एक एक टिप्पण 3 घन का, क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़ता जाए। हम भी जब पढ़ते हैं तो हमें भी कोई पेंसिल या पेन इनाम देता है तो अगले प्रोग्राम में हम भी कोशिश करते हैं कि एक नहीं दो गाने, 3 गाने, 4 गाने गाऊंगा, डांस करूंगा। तो इसलिए बच्चों का इनाम से हौसला भी बढ़ता है। तो मेरी तरफ से सब बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम में करने वालों को एक एक टिप्पण। और एक घोषणा और करता हूं, जो 12वीं, 10वीं और 8वीं बोर्ड में प्रथम स्थान जो बच्चे आएंगे उनको मेरी तरफ से 2100 रुपए इनाम दूंगा 15 अगस्त को, और जो सेकेंड आएगा उसको 1100, और जो थर्ड आएगा उसको 500, तीनों क्लास के बच्चों को 8वीं, 10वीं, 12वीं। और भी कोई यदि स्कूल के लायक और मेरे लायक कोई काम हो तो प्रिंसिपल महोदय, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। जो भी काम हो हमें बताना, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, आगे भी की और आगे भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।